गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल। माय नेम इज़ सुरभि भारद्वाज, आई एम योर साइंस टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 साइंस। इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 7, सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज़ विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, आंधी, तूफान और चक्रवात। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या तो आंधी होती है, क्यों आती है आंधी, तूफान क्यों आते हैं और चक्रवात क्यों आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओडिशा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आर ऑन अक्टूबर 1999। ओडिशा जो है, ओडिशा क्या है, हमारे इंडिया का एक स्टेट है। तो ओडिशा में एक साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1999 को। उसमें हवा की स्पीड क्या थी, 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हवा एक घंटे में कितने किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी कवर कर रही थी, 200 की। तो सोचो कितनी तेज हवा चल रही होगी तब। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। उस साइक्लोन की वजह से, वो साइक्लोन था, वो कितने घरों से टकराया था, 45,000 घरों से, और उसकी वजह से लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए थे, उनके घर टूट गए थे। क्योंकि इतनी तेज़ हवा में, आप देखते हो जब बहुत तेज़ हवा आती है तो कुछ भी चीज़ें उड़ने लगती हैं। तो अब 200 पर किलोमीटर की स्पीड से अगर हवा चलेगी तो इतनी तेज स्पीड होगी उसकी, तो उससे उन लोगों के घर उड़ गए थे और 7 लाख लोग होमलेस हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल, फिर 29 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को तो आया था साइक्लोन फर्स्ट टाइम, फिर 29 अक्टूबर को साइक्लोन आया, अ सेकेंड साइक्लोन, दूसरा साइक्लोन आया विद द विंड स्पीड ऑफ  260 किलोमीटर पर आवर, हिट ओडिशा अगेन। तो 260 किलोमीटर की स्पीड से दोबारा से साइक्लोन आया, जिसमें हवा की स्पीड क्या थी, 260 किलोमीटर पर आवर। अब पहले 200 में इतनी तेज़ थी, अब तो 260 और भी ज़्यादा स्पीड हो गई। इट वॉज अकम्प्लेंड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। तो अब हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो अगर हवा चलेगी तो वो पानी को भी तो अपने साथ उड़ाएगी। तो पानी की वेव कितनी ऊंची थी, 9 मीटर्स हाइट थी उनकी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, हज़ारों लोग मर गए उसमें। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड, लगभग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, उस साइक्लोन से वहाँ की खेती थी वो अफेक्ट हुई, ट्रांसपोर्ट वहाँ का, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सब कुछ अफेक्ट हुआ था उससे, सब कुछ बर्बाद हो गया था। ये आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था उसकी, कि देखो यहाँ पे ये जो बीच में ये वाइट एरिया है, ये उस साइक्लोन की स्पीड थी। इसमें राउंड 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 करके हवा आती है, तो वो इतनी तेज हवा होती है कि उसके बीच में जो भी आ रहा है वो सबको उड़ा के ले जाती है। सो वॉट बट वॉट आर साइक्लोन, साइक्लोन होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म, बनते कैसे हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, वो इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, उनमें चीज़ें बर्बाद क्यों हो जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। अब अगर विंड है, साइक्लोन है, सारे किस पर डिपेंडेंट होते हैं, विंड पे, हवा पे। तो हम पहले हम हवा की एक्टिविटी सीखते हैं, उसी से हम साइक्लोन की एक्टिविटी का पता करेंगे। दिस एक्टिविटी विल क्लियरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन, इन्हीं एक्टिविटीज़ से हमें साइक्लोन के बेसिक फीचर्स के बारे में पता चलेगा। बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड। जब कोई हवा है, हवा अगर बह रही है, मूव कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, विंड। फर्स्ट एक्टिविटी, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। Whenever an activity involves heating, be careful। ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो हीटिंग से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसी एक्टिविटी आपको हमेशा अपने से बड़े के सामने रख करनी है, अकेले में नहीं करनी है। एंड
या फिर अपने टीचर के सामने करो। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है। सो टेक अ टिन कैन विद अ लिड। एक टिन का जो कैन आते हैं, जैसे आपके जो छोटे वाले कैन होते हैं, कोई भी कैन ले लो, उसमें लिड भी होना चाहिए, ऊपर का ढक्कन भी होना चाहिए। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर। इसमें आधा पानी भर लो। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। अब उसे कब तक गर्म करना है उसको, कैन को, जब तक उसका पानी उबलने लग जाए तब तक। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब पानी को थोड़ा देर उबलने दो। ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को ब्लो कर दो, बुझा दो। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। अब आप तुरंत क्या करो, कैन का ढक्कन लगा दो टाइट से बिल्कुल। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। ध्यान रखना क्योंकि कैन गर्म होगा तो ध्यान से उसका ढक्कन बंद करना। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। अब आपको क्या करना है, एक या तो मेटल की किसी भी वेसल में या फिर वॉश बेसिन में उस कैन को डाल देना है। पॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब फ्रेश वाटर उसके ऊपर डालना शुरू करो। वॉट हैपन्स टू द शेप ऑफ कैन। तो अगर आप उसमें गर्म कैन के ऊपर, उसमें गर्म पानी है उसके ऊपर आप अगर ठंडा पानी डालोगे तो क्या होगा, कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ कैन गेट डिजॉर्टेड। तो आप उसका क्या है, शेप डिजॉर्ट हो जाएगा, वो इधर उधर से सिकुड़ने लग जाएगा। तो आपको पता है ऐसा क्यों हुआ। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, अगर आपको टिन कैन नहीं मिलता है, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हो आप। फिल इट विद हॉट वाटर, इसे गर्म पानी से भर लो, उसे गर्म नहीं करना है, गर्म पानी से भर लो। एम्प्टी द बॉटल, फिर बॉटल को गर्म करो, सॉरी खाली कर लेनी है, उसमें गर्म पानी पहले तो डाल लेना है, फिर वो खाली कर लेना, बॉटल गर्म हो जाए। इमीडिएटली कैप, उसका फिर आपको कैप लगा देना है। एंड प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और उसके बाद रनिंग वाटर के नीचे आपको बॉटल रख देनी है, मतलब उसमें ठंडा पानी डालना है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप अब इसमें एक्सपीरियंस से बताओ आप, व्हेन यू फ्लाई अ काइट, जब आप पतंग उड़ाते हो, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, तो क्या पीछे से जो आपकी विंड आती है वो आपकी हेल्प करती है। बिल्कुल करती है, तभी तो आप पहले ये चेक करते हो कि विंड किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में आप पतंग उड़ाते हो जिससे कि विंड के साथ पतंग उड़ती चली जाए। इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप किसी बोट में हो, इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो क्या बोट को आप, अगर आपके पीछे से विंड आ रही है तो बोट को आगे बढ़ाना ईजी होता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ साथ विंड भी हमारी बोट को पुश करती है, तो उसे आगे बढ़ाना ज़्यादा ईजी होता है। तभी तो हम अपोजिट, विंड के अपोजिट साइड में नहीं चला सकते बोट को। आपने कभी देखा तो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो क्या करते हैं, उनके आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज़ों में, पुराने जहाज़ों में पाल लगे होते थे, मतलब चद्दर से लगे होते थे ऊंचाई पे, तो वो क्या करते थे, वो विंड को कलेक्ट करते थे, विंड के फोर्स से फिर वो जहाज़ आगे चलता था। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवर फिल्ड विद एयर में बस्ट। आपने ये भी देखा होगा आपकी साइकिल में अगर आप ज़्यादा हवा भरवा देते हो तो उसका टायर फट भी सकता है। आपसे कहते हैं ना कि ज़्यादा हवा नहीं भरवानी चाहिए। सो वॉट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, तो एयर उसके अंदर क्या करती है ट्यूब के अंदर के वो फट जाए। डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। अब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि आप जो साइकिल में हवा भरवाते हो उसकी वजह से जो उसकी टायर हैं वो शेप में कैसे रहते हैं। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो, इन सारे एक्सपीरियंस से क्या पता चलता है, दैट द एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। इनसे क्या पता चलता है कि जो एयर होती है ये प्रेशर डालती है, किसी भी चीज़ पे प्रेशर डालती है, प्रेशर लगाती है। क्यों, क्योंकि आप जैसे आप अगर बोट को आगे की तरफ चला रही हो, पीछे से विंड आ रही है, तो उसकी मदद से बोट को चलाने में आपकी मेहनत कम लगेगी, विंड आपकी हेल्प कर देगी, करेगी ना। उसके अलावा आप पतंग उड़ा रहे हो तो पीछे से अगर विंड है तो आप विंड की डायरेक्शन में अगर पतंग को उड़ाओगे तो पतंग ज़्यादा इजीली उड़ जाएगी। तो इन सब से पता चलता है कि जो विंड होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो प्रेशर लगाती है हर चीज़ पे। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर वाइल विंड इज़ ब्लोइंग। तो ये वही प्रेशर है जिसकी वजह से जो पेड़ की पत्तियां होती हैं या फिर बैनर होते हैं या फिर झंडा होता है ये लहराते हैं।
ये फ्लटर करते हैं इसी विंड की वजह से करते हैं ये। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर। ऐसे आप और बहुत सारे प्रेशर आप बता सकते हो एग्जांपल जिसकी वजह से आप ये प्रूव कर सको कि जो एयर होती है ये इसमें प्रेशर लगाती है, एयर में प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट डिसॉर्टेड। अब हम बताएं कि ये जो कैन था उसमें आपने जब गर्म पानी भर पानी उबाल लिया उसके बाद अब आपने ठंडा पानी डाला तो इसकी शेप ख़राब क्यों हो गई। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जब पानी आपने ठंडा पानी कैन के ऊपर डाला, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। तो जो पानी आपने एक चीज़ तो पढ़ी थी कि अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलती है ना, तो वो जो स्टीम निकल रही थी उससे क्या हो रहा था, वो जो स्टीम निकल रही थी वो दोबारा से पानी में चेंज हो गई, कंडेंसेशन हो गया, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर। और उसने क्या किया, अंदर की जो एयर थी, स्टीम एयर ही तो होती है, तो वो जो एयर थी वो स्टीम थी वो तो कन्वर्ट हो गई पानी में, तो अंदर जो एयर थी उसकी कमी पड़ गई, अंदर की एयर की कमी पड़ गई। फिर उसके बाद द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, तो अंदर के कैन का जो कैन का अंदर से जो प्रेशर था एयर का प्रेशर वो कम हो गया, क्योंकि एयर तो वाटर में चेंज हो गई ना उसकी बहुत सारी, तो उसका जब प्रेशर कम पड़ गया तो उसका जो कैन का अपना प्रीवियस शेप था वो शेप ख़राब हो गया। कैन डिक्रीज देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, तो और जो अंदर का प्रेशर तो एयर का कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो बाहर का तो उतना ही था लेकिन अंदर का कम पड़ गया तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट द कैन गेट कंप्रेस, और इसी वजह से जो कैन था वो कंप्रेस हो गया, सिकुड़ गया वो। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, एयर जो होती है वो प्रेशर लगाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं वो अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, तो हाई स्पीड विंड चलती है, जब हाई स्पीड की विंड चलती है तो उससे क्या होता है, उससे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो आसपास की चीज़ों का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और विंड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। इसकी एक्टिविटी क्या है, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल of size smaller than the mouth of an empty bottle। क्या करना है हमें, एक पेपर का पीस लेना, उसे क्रम्पल कर देना है, उसे मोड़ लेना है और उसके बाद उसकी एक बॉल की साइज़ बना लेनी है। कितने बड़े बॉल की साइज़, एक खाली बॉटल लेना है उसका जितना मुँह है उससे थोड़ा सा छोटा करके। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड, अब साइड से आपको ऐसे बॉटल पकड़नी है एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, और आपको बॉल क्या करनी है इसके माउथ के पास में रख देनी है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल, अब आप उसमें फूंक मारो जिससे जो बॉटल है वो अंदर चली जाए। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज, अब अलग अलग साइज़ की बॉटल से आप एक्टिविटी ट्राई करो और आपके फ्रेंड्स को भी चैलेंज करो। तो ये हमें क्या बता रही है ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि आपने जो एयर प्रेशर डाला, आपने जो ब्लो की एयर अपने मुंह से, तो उससे क्या हुआ, उससे जो बॉल का जो प्रेशर था एयर प्रेशर वो ख़त्म हो गया, वो कम पड़ गया और उससे बॉल मूव करने लग गई। तो अभी हमने यही पॉइंट पढ़ा था कि जो हाई प्रेशर की विंड्स होती हैं, जिन विंड्स में प्रेशर बहुत होता है उनकी वजह से क्या होता है, वहाँ की और जो चीज़ें होंगी उनका प्रेशर कम हो जाता है। तो अब इस एक्टिविटी की डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।